शायद राजस्थान के निकल और अब मैं आपको राजस्थान दिखाऊंगा। मैं नरेंद्र कुमार मोदी पत्थर लिखा गया था उसका भी दर्श देख लीजिए। जब राम भगवान ने अपनी सेना के साथ पुल बांधने को लिए
पत्थर लगाए थे वो इस हिसाब से देख लीजिए, सेतु बना था। ये बता दो जब समुद्र पार करते हुए सुरसा के अंदर हनुमान जी चले गए थे, आपको वहाँ भी ले जाना था। हाँ, सुरसा के मुंह में हनुमान जी निकल आए थे, मुंह से आपको मैं देख दिखा दूँ। हाँ ठीक, बैठ जाने दीजिए। ये जो है वो सुरसा है जो हनुमान जी उसके अंदर गए थे। अब मैं इसके अंदर भी जाऊँगा लेकिन जान नहीं पाओगे, ताला बंद है। आइए देखिए, मैं इसके अंदर जा रहा हूँ। इसके सुरसा जिसे हनुमान जी अंदर गए थे, जिस हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कितना प्यारा दृश्य आप देख रहे हैं। काफी मोहित करने वाला जो दृश्य है, जो हनुमान जी समुद्र पार करते हुए सुरसा के मुंह में घुसे थे इसी हिसाब से, और फिर वो राम का नाम लेकर फिर निकल आए थे उड़ के, जैसे आप देख रहे हैं। काफी अच्छा है, आप देख सकते हैं ये दांत, आप देख सकते हैं। जब रावण की लंका में समुद्र था उसमें कितने बड़े बड़े भयंकर राक्षस थे, जो आज कलयुग में भी ऐसे राक्षस लोग आपको दिखेंगे। देखिए आपको जेबी में दिखा दूं। हनुमान जी पर्वत उठाते हुए आप देख सकते हैं। आपको मैं गुफा भी दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे काफी अच्छी अच्छी गुफाएं हैं। मैं आपको बता दूं, इसमें मैं आपको राजस्थान दिखा रहा हूँ। आपको मैं बता दूं, इसमें मैं राजस्थान दिखा रहा हूँ। राजस्थान में काफी अच्छी अच्छी चीज है टहलने के लिए, जैसे आप देख रहे हैं, ये सारी चीज आप देख रहे हैं। सकता हूँ जी हनुमान जी की कितनी खूब ऊंची मूर्ति है, जैसे आप देख रहे हैं कितनी बारीक से हमारे कैमरा में बहुत ऊंची मूर्ति है। यहाँ पे आपको बता नहीं सकता कितनी ऊंची मूर्ति यहाँ पे बनाई गई है। देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ गदा, बहुत बड़ा है ना सर, बहुत बड़ा है, काफी बड़ा है कि हमारे हाथ में, हमारे कैमरा मैन न्यूज रिपोर्टर सिपाही इतना बड़ा गदा हमें देखने को मिला। सनोज जी कह रहे हैं कि इतना बड़ा गदा मुझे आज इतनी बड़ी कभी मूर्ति देखी थी। अरे वेरी नाइस सर, आज पहली बार हमें ये मूर्ति देखने को मिली। जी सर, वाकई में सर बहुत ऊंची मूर्ति है ना। आप देख सकते हैं कितना बड़ा मंदिर है यहाँ पे हनुमान जी का। मंदिर बना वो सात पहाड़ी के नीचे बना है, जो सात पहाड़ी मेरे कैमरा मैन आपको दिखा रहे हैं, वो सात पहाड़ी जो है वो आपको दिखा रहे हैं। मैं पब्लिक राय भी लेना चाहता हूँ आपको। मैं सुरसा के जो बाल रूप हनुमान जी ने रखा था सुरसा के मुंह में जाने हुए समुद्र के अंदर, जब सुरसा राक्षस जो थी वो अंदर थी उसके मुंह में हनुमान जी घुसे थे, आपको मैं वहां ले। और यहाँ पे जनता राय हनुमान जी ने जब रूप धरा था, मुख में आकर बाहर निकल गए थे, उन्होंने रिकट रूप धरा था जो कि ये रखा है, उसको पूरी लंका का नाश कर दिया था।
जी सर। यहाँ भैया जी आपका नाम? मेरा नाम हर्षित है। हर्षित, जो एलएम न्यूज पर चल रहे सर, जो यहाँ पे बाल रूप सरदा जी अंदर आए थे हनुमान जी, तो उसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? मैं आज फर्स्ट टाइम खुद ही गुफा में आया। जी जी, मैं तीसरी बार आ रहा हूँ, तो इस गुफा में फर्स्ट टाइम आया। बड़ी बहुत ही अलग और अद्भुत बहुत अच्छा है इसका सारा लोग। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, बहुत अच्छा लगा। यहाँ टूरिस्ट आने पर लोगों को पता है कि काफी अच्छी गुफा में जो आज बनाया गया है, जो इतिहास को एक दोबारा रिपीट करके दिखाएगा, बहुत बढ़िया बात है। मैं सुरसा के मूल में अंदर आ चुका हूँ, जो सुरसा राक्षस थी, जो सुरसा राक्षस थी उसके मैं मुंह के अंदर आ चुका हूँ, वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसका मुंह दिखा रहा हूँ, कितना बड़ा मुंह है। देखिए, ये एक कला थी, हनुमान जी ऐसे खड़े थे, आप ये भी देख सकते हैं राम दरबार। ये गुफा के अंदर है, जैसे मैं आपको जो सीन दिखा रहा हूँ वो गुफा के अंदर है। जितना भयंकर गुफा बनी है, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी गुफा है। आप देख गुफा है, जो हमारी रामायण की रचना की है, मैं धन्यवाद देता हूँ।